दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक सिंपल कुर्ती नेक डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले पेपर कैनवास फोल्ड करके रखा हुआ है। इसमें ये देखिए 1.6 इंच का मार्किंग कर रहा हूँ मैं, इधर चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद में इसका लंबाई में मार्किंग करना है 8.5 इंच। सबसे पहले इसी तरह एक रेक्टेंगल शेप बना देता है। उसके बाद में देखिए ऊपर की तरफ इधर आधा इंच में छोड़ देता है। उसके बाद में इसका इधर एक गुलाई शेप दे देता है और इधर मैं 8.5 इंच का एक मार्किंग भी कर लेता है। उसके बाद में देखिए, हम ये जो पित्तल का एक सिब है, ये जो जीन्स में लगाता है वही सिब हम इसमें लगा देते हैं, फैंसी के लिए लगाता है। उसका लंबाई जो होता है उधर इसी तरह एक मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद में इधर भी हम एक लाइन बना देते हैं, इसमें देखिए इतना एक मार्किंग कर लेता हूँ। इसमें ये जो मार्किंग मैंने किया हुआ है, जो हमारा पाइपिंग लगता है उसी तरह ही एक मार्किंग लगा हुआ उधर। ये देखिए इधर इसी तरह एक तिरछा मार्किंग भी कर लेता है इसका शेप देने के लिए। और हम अभी इसको काट के निकाल लेते हैं पहले। अभी देखिए इसको खोलने के बाद में हम इसी तरह मार्किंग कर लेते हैं, दोनों तरफ एक ही हिसाब से होना चाहिए। अभी हम इसका मेन नेक काट के निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैं जो फोल्डिंग कैनवास लिया हुआ है, फोल्डेड पेपर कैनवास है ये। उसके बाद में देखिए उसका चौड़ाई में 4 इंच का रख लेता हूँ। उसका डेप्थ मैं रख लेता हूँ 6.5 इंच। इसमें आधा इंच हमारा सिलाई के लिए चले जाएगा। ठीक है, अभी हम इसमें एक सिंपल यू शेप दे देता है। ये देखिए, ये अभी इसी तरह हम उसको शेप दे दिया हुआ है। अभी इसको हम सामने से सिलाई करके पीछे की तरफ मोड़ लेना है, इसलिए हमको ये वाला बाहर वाला साइड का शेप देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह एक शेप दे दिया हुआ है इधर। ठीक है, ये देखिए हमारा नेक तो तैयार हो गया और नीचे वाला हिस्सा ये भी हमारा तैयार पड़ा हुआ है। अभी हम इसको दोनों को कपड़े में आयरन करके चिपका लेते हैं। इसको हम कपड़े में चिपका के सिलाई किया हुआ है किनारा मोड़ के। इसको देखिए हमें इसी तरह रख के मार्क करना पड़ेगा। हम इसके नीचे वाला साइड में से हम पहले सिलाई कर लेता है, ठीक है। इसी तरह हमें ये सिलाई करना पड़ेगा, लेकिन इस तरफ रख के नहीं, पीछे की तरफ रख के सिलाई करता है। उसके बाद में आगे की तरफ इसको मोड़ लेता है। ये जो मार्किंग रखा हुआ है, ये मार्किंग के बाद में इसको इसी तरह रख के हम सिलाई कर देते हैं। इसको सबसे पहले पिन मारना पड़ेगा, पिन मार के हम रख के सिलाई कर देते हैं।
हम इसको एकदम बीच में से इसको काट लेता है। काटने के बाद में हमें इसको आगे की तरफ मोड़ना पड़ेगा। ये देखिए एकदम ये एंड में आके इसी तरह थोड़ा तिरछा इसको काट लेता है। अभी देखिए ये हमारा काम इधर हो गया। अभी इसके नीचे हम जो सिप रख के पिन मारता है, पिन मारने के बाद में सीधा सिलाई कर लेता है। उसके पहले इसको एक बार अच्छी तरह आयरन करना चाहिए। ये देखिए मैं आयरन करने के बाद में इसमें पिन मार के रखा हुआ है सिप को। उसके बाद में देखिए इसके किनारे से इसी तरह हम सिलाई कर देता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसमें पूरा राउंड घुमा लेता है। मैं ये जो धागा जो है ये थोड़ा मोटा धागा रखा हुआ है, उसके साथ हम डिजाइन में सिलाई कर लेता हूँ। ये इसका एक पैर चौड़ाई में हम पूरा इसी तरह फुल राउंड इसमें सिलाई कर लेता है। तभी ये जो सिप हमने पिन मार के रखा हुआ है वो अपने आप उसमें लग जाता है। ये देखिए ये पूरा हमारा सिलाई होने वाला है। अभी देखिए ये जो आखिरी सिलाई से हमारा सिप उधर अच्छी तरह पक्का हो जाता है। हमारा काम तो अभी तैयार हो गया, हमारा सिप भी लग गया हुआ है और नेक में जो पट्टी लगाना था वो भी काम हो गया। दोनों काम एक ही साथ हमारा पूरा हो गया हुआ है। अभी हमें सिंपल इसमें एक ही काम करना है, इसमें जो नेक लगा के अभी पीछे की तरफ मोड़ लेना है। देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें इसको इसी तरह शेप में रखना पड़ेगा। शेप में रख के एकदम सेंटर में रख के इसी तरह रख के इसको पिन मार लेता है। ठीक है, ये तो हमारा नेक अभी एकदम तैयार हो गया। अभी इसके किनारे से एक राउंड हम सिलाई कर लेते हैं एक वायर की चौड़ाई में, तभी हमारा नेक का काम एकदम फिनिश हो जाता है, वो पीछे की तरफ दब भी जाता है। ये देखिए इसके उधर ये जो गला मैंने काटा नहीं है क्योंकि ये फैंसी के लिए रखा हुआ है। ये अगर आपको फीडिंग वाला कुर्ती बनाना रहेगा तो इसके बीच में काट के आपको पीछे की तरफ मोड़ के सिलाई करेगा तो ये फीडिंग कुर्ती भी हो जाता है। ये देखिए ये देखने से आपको मालूम पड़ेगा ये ऊपर से खोल नहीं सकते, खुला नहीं है अभी। ठीक है, ये जो सिलाई करने से पहले अगर पीछे आप काट के उसको मोड़ के सिलाई करेगा तो ये फीडिंग कुर्ती हो जाता है। इसका जो मोटा धागा है जो डेनिम या जीन्स वगैरह सिलाई करने के लिए आपको शॉपों में मिल जाता है, वही धागा इसमें यूज़ किया हुआ है मैंने। आपको दुकानों से ये मिल जाते हैं, दुकान में ज़रूर पूछ लेना डेनिम या जीन्स सिलाई करने वाला धागा बोल देने का, ये थोड़ा मोटा धागा है। ठीक है, हमारा वीडियो इधर ख़त्म होने वाला है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। इसी तरह आप लोग ज़रूर ये वाला नेक ट्राई कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया नेक बना बना के तैयार हो गया हुआ है। अभी अगले एक अच्छे वीडियो के साथ आपको फिर मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।